सो व्हाट्सअप गाइज, आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम आपको ऐसा ही रियलिस्टिक वीडियो एडिटिंग करना सिखाएंगे। जस्ट एक क्लिक में गाइज आप ऐसा एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, लास्ट तक देखना है, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना होगा और इस वीडियो को फुल स्क्रीन कर लीजिएगा, ठीक है गाइज। तो जैसा गाइज हम आ चुके हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आने के बाद चलिए हम ऐप्स को ओपन करते हैं, ठीक है गाइज। ऐप्स का नाम है विंक गाइज। इस ऐप का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, क्योंकि गाइज आपको ये प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, ठीक है गाइज। मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा ये, इसका लिंक दिया हुआ है मेरे टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है गाइज। कोई टेंशन नहीं लेना है, सिंपली आपको इस ऐप को ओपन करना होगा और यहाँ पे गाइज बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो हमें इन सभी ऑप्शन में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है गाइज। सिंपली आपको क्या करना होगा, ऊपर में ही आपको एक वीडियो रिटचिंग का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है गाइज। तो चलिए हम यहाँ पे देख सकते हो गाइज, वीडियो रिटचिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा सेकंड नंबर में ये वाला, उसी पे आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद अभी जो मैंने वीडियो एडिटिंग की है उस वीडियो को सेट करना होगा, यानी गाइज जिस वीडियो में आप ये वाला इफेक्ट ऐड करना चाहते होंगे, रियलिस्टिक वीडियो बनाना चाहते होंगे शार्पन इफेक्ट, और उसको एडिटिंग करना चाहते होंगे, तो उसको आपको यहाँ से ऐड कर लेना होगा, ठीक है गाइज। जैसे गाइज हमें इस वीडियो को बनाना है वैसा रियलिस्टिक, तो सिंपली वो क्या करना होगा, इस वीडियो को यहाँ पे ऐड कर लेना होगा। ऐड करने के बाद गाइज नीचे में देख सकते हो गाइज बहुत सारा इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। इसमें तीन ही इफेक्ट हमको यूज करना है, एक रिटच का, एक स्मूथ का और एक ऑटो ब्यूटी का, ठीक है गाइज। तो सिंपली आपको सबसे पहले रिटच वाला ऑप्शन पे आना होगा और फिल्म वाला ऑप्शन पे जाकर गाइज इसका फिल्म को फुल कर देना होगा, यानी कि गाइज इतना करने के बाद आपको यहाँ से कर देना होगा डन। इसका साइज आपको फुल कर देना होगा गाइज, इसका रेजोल्यूशन, एंड इस वाले पार्ट को स्क्रॉल कीजिएगा, इसकी क्लैरिटी को भी फुल कर दीजिएगा। यहाँ पे क्लैरिटी का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिएगा और इसको फुल कर दीजिएगा, ठीक है गाइज। फुल करने के बाद इसमें आप टोन लाना चाहते होंगे, यदि आपका ब्लैक दिख रहा होगा वीडियो, तो उसमें आपको टोन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा इस पर, और इसको भी फुल कर देना होगा। अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, जितना फुल कीजिएगा उतना आपका फेस गोरा होगा और बैकग्राउंड में भी लाइट वगैरह आएगा, टोन आएगा, ठीक है गाइज। तो इतना करने के बाद हम यहाँ से कर देते हैं डन। सो फर्स्ट इफेक्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया है और पूरा कर दिया, ठीक है गाइज। अब हमें गाइज क्या करना होगा, इसमें जाना होगा गाइज एक स्मूथ वाला ऑप्शन में, ठीक है गाइज। स्मूथ में या ऑटो ब्यूटी पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो सॉरी गाइज, ऑटो ब्यूटी पे क्लिक नहीं करना होगा, मैं बार बार कर रहा था ऑटोमेटिक ब्यूटी, तो उस पर क्लिक नहीं करना होगा, आपको मेकअप वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे गाइज एक कार्टून जैसा आपको मेकअप वाला दिख जाएगा ऑप्शन, तो यहाँ पे गाइज बहुत सारा आपको फिल्टर देखने को मिलता है मेकअप, तो सिंपली आपको यहाँ से कोई सा भी सिलेक्ट कर लेना होगा जिसमें गाइज कार्टून के जैसा दिख रहा होगा फेस, उसी को आपको सिलेक्ट करना होगा। देख सकते हो गाइज हम ट्राई कर रहे हैं, आप भी कुछ इस टाइप से ट्राई कर लीजिएगा अपने वीडियो में, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे आपको बहुत तरह तरह का मेकअप आपको देखने को मिल जाता है गाइज, तो जो भी आपको कार्टून के जैसा मैच होता है गाइज उसी को आपको सिलेक्ट करना होगा। देख सकते हो गाइज मैं बारीकी से चेक कर रहा हूँ, आप भी कुछ इस टाइप से चेक कर लीजिएगा अपने वीडियो के अकॉर्डिंग। तो मेरा जैसा वीडियो है उसमें गाइज कुछ अलग सेट होगा, तो चलिए हम ये वाला सेट करते हैं। तो यहाँ पे गाइज देख सकते हो, ये वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा, इस वाला ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं और इसको फुल कर देते हैं, ठीक है गाइज। देख सकते हो गाइज हमारा ये वाला अच्छा सेट हो चुका है। तो इसको फुल करने से पहले गाइज इसका ड्यूरेशन को हम कम से करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे गाइज आपको 50 के आसपास रखना होगा और यहाँ से कर देना होगा डन। डन करने के बाद देख सकते हो गाइज अभी हमारा इतना एडिटिंग कम्प्लीट हो चुका है। अब हमें गाइज फेस को स्मूथ करना होगा, फेस को एकदम हार्ड स्मूथ करेंगे गाइज। तो उसके लिए सिंपली वो क्या करना होगा, फिर से नीचे वाले पार्ट को स्क्रॉल करना होगा और यहीं पे गाइज एक स्मूथ का ऑप्शन दिख जाएगा, स्मूथ वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है गाइज। स्मूथ पे क्लिक करने के बाद इसका ड्यूरेशन को भी फुल कर देना होगा, ठीक है गाइज। इससे गाइज हार्ड स्मूथ हो जाएगा आपका फेस। बस इतना ही काम करना होगा गाइज, तीन ही टूल को यूज करना होगा आपको, और इतना करने के बाद आपको यहाँ से पहले सेव कर लेना होगा, ठीक है। तो जैसा गाइज मैंने बताया है कि एक क्लिक में हमें 4K में करना है, रियलिस्टिक वीडियो बनाना है, तो यहाँ से पहले गाइज तीन सेटिंग को ऑन कर लीजिएगा। इसके बाद आपको पहले यहाँ से सेव कर लेना होगा वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेव हो जाता है 100%, उसके बाद यहाँ से हम बैक जाएंगे, ठीक है गाइज। यहाँ पे देख दो गाइज हमारा वीडियो सेव हो चुका है। अब यहाँ से गाइज एक बार और डन करेंगे, ठीक है गाइज। तो यहाँ से एक बार और डन कर लीजिएगा। यहाँ से डन करने के बाद अब हमें गाइज इसको एक क्लिक में 4K में यानी कि रियलिस्टिक बनाना है। तो रियलिस्टिक बनाने के लिए गाइज इसको 4K में कन्वर्ट करना होगा, तो सिंपली आपको इमेज क्वालिटी पे क्लिक करना होगा, और जिस तरह से यहाँ पे गाइज क्वालिटी बढ़ रहा है, अल्ट्रा HD पे क्लिक करके अपने वीडियो को, जो अभी हमने वीडियो सेव किया है उसी वीडियो को यहाँ से ऐड कर लेना होगा, ठीक है गाइज। उसी वीडियो को ऐड कीजिएगा एंड यहाँ पे गाइज रिपेयरिंग लेगा 100% तक, तो आपको रिपेयरिंग हो जाने दीजिएगा, ठीक है। ये गाइज एक क्लिक में 4K में भी कर सकता है गाइज आपका वीडियो, यानी कि गाइज यदि आपका वीडियो में धुंधला होगा, ब्लर जैसा वीडियो होगा, तो उसको आप साफ HD में कर देंगे, एकदम 4K क्वालिटी में कर देंगे गाइज। देख सकते हो गाइज यहाँ पे हमारा वीडियो की क्वालिटी किस तरह से बढ़ा दिया है। अब गाइज इसको क्या करना होगा, इस वीडियो को पहले एक बार और सेव कर लेंगे, ठीक है गाइज। इस वीडियो को एक बार और सेव करके गाइज फिर से एक बार इससे अप्लाई करेंगे यही वाला ट्रिक, ठीक है गाइज। तो फिर से क्वालिटी रेजोल्यूशन पे क्लिक करेंगे और फिर से गाइज अल्ट्रा
एच डी पे क्लिक करके ट्राई नाउ पे क्लिक करेंगे। और जो मैंने एच डी किया है वीडियो, उसी वीडियो को फिर से सेलेक्ट करेंगे गाइज, और फिर से गाइज यहाँ पे प्रोसेसिंग लेगा और फिर से हमारा गाइज एकदम से एच डी और रियलिस्टिक जैसा वीडियो बन जाएगा, एकदम कार्टून इफेक्ट के जैसा रियलिस्टिक एकदम शार्पन इफेक्ट लग जाएगा हमारा वीडियो में। देख सकते हो गाइज कितना एच डी हो चुका है हमारा 4K में, और वीडियो एकदम कार्टून इफेक्ट के जैसा लग रहा है एकदम स्मूथ एकदम। सो ऐसा ही एडिटिंग करना होगा आपको, और इस वीडियो को सेव करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा तो सेव हो जाएगा गैलरी में। और अभी हम आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर में कितना ज़्यादा फर्क है गाइज। तो चलिए हम बैक जाते हैं और देख सकते होगा ये हमारा बिफोर वाला वीडियो है कैसा एकदम ब्लर जैसा वीडियो है, और देख सकते होगा एडिटिंग करने के बाद कैसा दिख रहा है एकदम एच डी रियलिस्टिक वीडियो दिख रहा है गाइज। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।